आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पलपल न्यूज के सुपर प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम लगातार देख रहे हैं कि खाड़ी देशों से आवाज उठ रही थी इस्लामोफोबिया इन इंडिया। हर जगह अब इसी को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार की जो नीतियां थी वो उसमें पूरी तरीके से घिर चुकी हैं, क्योंकि कभी यूएन तो कभी यूएससीआईएफ की रिपोर्ट बार बार ये कहती है कि भारत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं मीडिया की जो खास तौर पर रिपोर्टिंग है उसने पूरी दुनिया में मोदी सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है। अब उन्हीं के आधार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और जो भड़काऊ लोग हैं, जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होने लगी है। पहले यूएई, फिर कनाडा, फिर कुवैत और अब न्यूजीलैंड भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। न्यूजीलैंड से क्या खबर आ रही है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध नेता कांतिलाल भागा भाई पटेल को वेलिंगटन जस्टिस ऑफ पीस एसोसिएशन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। अपने कुछ सोशल मीडिया पोस्टों को स्वभाव से इस्लामोफोबिक मानने के बाद पटेल ने अपनी सदस्यता खो दी है। ये मामला न्यूजीलैंड में अपनी तरह का पहला मामला है। अरब और यूरोपीय देशों में मुस्लिम विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कार्रवाई का सामना कर रहे कई भारतीय प्रवासियों के कारण सुश्री एनक्ला, जो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने पद पर नियुक्त होने की बात कही। हम पदों पर थे, पटेल के पदों के एक शिकायतकर्ता को जवाब देते हुए क्लर्क ने बताया कि एसोसिएशन को एक शिकायत मिली और इसकी जांच की गई। श्री पटेल अब वेलिंगटन जेपी एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीस एसोसिएशन के वेलिंगटन जस्टिस के मामले में जस्टिस ऑफ पीस का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय निकाय को संदर्भित किया है और उसने न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करने के लिए कहा है। हमने अपनी जांच पूरी कर ली है और ये निष्कर्ष निकाला है कि ये पद न्याय के लिए अपेक्षित मानकों के रूप नहीं थे। श्री पटेल को सलाह दी गई है कि वह उसके लिए और परिणाम हम उससे निपटने की प्रक्रिया में हैं। जैसा कि आप सराहना करेंगे, इस समय सभी सामान्य सरकारी प्रणाली काम नहीं कर रही है। शांति के औचित्य एक सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं और उस नियुक्त को रद्द करना भी एक सरकारी प्रक्रिया है। इस बीच मुझे उम्मीद है कि आप हमारे एसोसिएशन के अब पूर्व सदस्य के कार्यों के लिए पीस एसोसिएशन के वेलिंगटन जस्टिस के माफी मांगने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि न्यूजीलैंड में कांतिलाल बागा भाई पटेल पर कार्रवाई की गई, क्योंकि वो इस्लामोफोबिया के नाम पर नफरत फैला रहे थे, खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। इसी पर हमसे बात करने के लिए शारिक अदिल यूसुफ मौजूद हैं। मैं शारिक से जानना चाहूंगा, शारिक, किस तरीके से देखा जा सकता है न्यूजीलैंड से जो खबर आ रही है? देखिए नदीम, ये समझने वाली बात है कि न्यूजीलैंड इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट नाम है। उसके अलावा शुरुआत इसकी कुछ दिन पहले ही से हमने देखी थी, जब मिडिल ईस्ट के तीन देशों ने ये बोला था कि किसी भी तरह का इस्लामोफोबिया को नहीं झेला जाएगा, किसी भी तरह इस्लामोफोबिया को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और इस वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। उसके अलावा उन्होंने बहुत क्लियर कट इंडियन गवर्नमेंट को ये, आप कह सकते हैं, चेतावनी दी थी या एक सजेशन दिया था या कई स्टेप दिया था, प्रोविजंस दिया था कि अगर इस तरह के बार बार ट्वीट्स आते रहे लगातार तो हम तमाम इंडियन एम्प्लॉयज को वापस इंडिया भेज देंगे। और ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि एक देश अगर इस तरह का कदम ले रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस फैलता है। उसके बाद तीन दिन पहले की खबर है जिसमें कैनेडा के रवि हुडा नाम के एक शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी एक इसी तरह का इस्लामोफोबिक ट्वीट किया था और वो भी हिंदुस्तानी है। और सबसे खराब बात यह है कि वो स्कूल काउंसिल के चेयर में मेंबर थे, और स्कूल काउंसिल के मेंबर में होने का मतलब ये था कि स्टूडेंट्स से उनका इन्वॉल्वमेंट था, स्टूडेंट्स को लेकर इन्वॉल्वमेंट था। और उसके बाद उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए हैं, जिसमें एक ट्वीट ऐसा था जिसमें उन्होंने लिखा था अजान को लेके कि अजान की जो अनुमति दी गई है खासकर रमजान के टाइम पे, मगरिब के समय लोगों को नमाज पढ़ने के लिए और लोगों को इफ्तारी खोलने की आसानी के लिए,
तो उसपे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अब ना जाने लोगों को आगे किस किस चीजों की इजाजत दी जाएगी, कि सड़क पे बकरी और ऊंट चलाने का रास्ता दिया जाएगा। और ये सरासर इस्लामोफोबिक है, और बिल्कुल आप ये कहिए कि एकदम रेसिस्ट रिमार्क है, और एक डायरेक्शन में इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। अगर इनको कोई गौर से बताए तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स कार अगर कहीं पे है तो मिडिल ईस्ट में है, यानी मुस्लिम ज्यूरिसडिक्शन के अंदर स्पोर्ट्स कार है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर सिटीज कहीं पे मौजूद है तो वो मुस्लिम सिटीज मौजूद है। उसके बाद इस तरह की चीज बोल के वो ये दिखाना चाहते हैं कि बैकवर्ड है। और ऐसे ही कई ट्वीट आते रहते हैं इस तरह के, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, जिस वजह से हिंदुस्तानियों के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि कई ट्रैवल शो चलाने वाले ऐसे लोग हैं, कई ट्रैवल आप कह सकते ट्रैवलर्स हैं और कई एडवेंचरर्स हैं जो पहले हिंदुस्तान की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब हर मामले में वो हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं कि वो डेंजरस कंट्री है, औरतों के लिए डेंजरस है, मर्दों के लिए डेंजरस है, गरीब के लिए डेंजरस है, घूमने के लिए डेंजरस है, कहीं सोने के लिए डेंजरस है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके लिए डेंजरस है। तो तमाम लोगों के अपने अपने स्टोरीज हैं जिसके वजह से वो बताते हैं कि देश डेंजरस है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक अगर आपको याद हो तो दुनिया का हर आदमी हिंदुस्तान की तारीफ करता था, और उसके पीछे एक वजह थी, उस वजह को हम खो रहे हैं। अब न्यूजीलैंड का अगर इस तरह का ट्वीट आता है, हाल ही में थोड़े दिन पहले 2 साल पहले न्यूजीलैंड पे हमला हुआ था न्यूजीलैंड में, और उसके बाद फिर क्राइस्ट चर्च मॉस्क का मैटर सामने आया था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, और उसके बाद से न्यूजीलैंड में इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिए गए। उसके बाद एक हिंदुस्तानी शख्स तमाम चीजों के बावजूद अगर इस तरह के बात उस तरह के देश में बोलता है तो समझने वाली बात है कि कितनी ज्यादा शर्मनाक ये चीज, क्योंकि हम एज ए हिंदुस्तानी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर हम कहीं पे भी हैं, और जब इस तरह के लोग सामने से आके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो फिर यही फील होता है कि ये नाजी जर्मनी वाला हिंदुस्तान है, क्योंकि नाजी जो लोग होते थे वो भी तमाम दुनिया के अलग अलग कोने में यही बोलते थे कि यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं, यहूदी सोना इकट्ठा करके रखते हैं, यहूदी दूसरों के चीजों को लूटते हैं, मगर वो हर यहूदी के लिए सही नहीं है। क्योंकि शारिक मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कांतिलाल जो है न्यूजीलैंड के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर देखे जाते हैं, बहुत बड़े रसूखदार हैं, क्या यूएई में जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी बीआर शेट्टी पर, उसी तर्ज पर शायद इन पर भी कार्रवाई देखी जा रही है? देखिए बीआर शेट्टी क्योंकि इंडिया में है इस वक्त, तो वो अपने मिडिल ईस्ट की कार्रवाई से बचे हुए हैं, लेकिन बीआर शेट्टी का जो मैटर था वो फ्रॉड का था, और उसमें कोई खास रेसिज्म नजर नहीं आए। उनका आरएसएस से भले ही लिंक हो या उनका कोई भी लिंक हो वो बात की बात है, लेकिन जब फ्रंट फेस पे जब बात की जा रही है तो यहाँ पे एक शख्स ओपनली इस्लामोफोबिक अपना आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे कर रहा है, वो अपने किसी पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के होने की वजह से वो दूसरे ग्रुप को टारगेट करते हुए अगर कुछ कह रहा है तो वो एक प्राइड को शो करता है, एक ऐसी प्राइड जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी खास कर 21st सेंचुरी में। हर आदमी को इस चीज की अकल होनी चाहिए कि हम सेक्युलरिज्म की जब बात करते हैं अगर नदीम, तो न्यूजीलैंड सबसे सेकुलर स्टेट्स में है और इंडिया भी एक सबसे सेकुलर स्टेट्स में हुआ करता है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही तरह के आइडियोलॉजी को फॉलो करिए और बाकी सबको रिजेक्ट करिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो हर किसी के लिए ऑब्जेक्टिव हो सकती है, यानी अगर कोई आदमी हिंदू है तो कोई क्रिश्चियन होना चाहता है, कोई मुस्लिम बन के रहना चाहता है, कोई सिख बन के रहना चाहता है, कोई यहूदी बन के रहना चाहता है, तो सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप तमाम किसी भी मजहब से हो या किसी भी आइडियोलॉजी से हो, आप मार्क्सिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, किसी भी तरह की आपकी सोच हो, लेकिन आपको सबके साथ रहना आना चाहिए, आप एक दूसरे के साथ रहना जानना चाहिए आपको, तब वो सेकुलरिज्म के तौर पर सामने आता है। वरना सिर्फ ये कहना कि आप सेकुलर हैं, आपकी आइडियोलॉजी सेकुलर है इसलिए आपको कुछ भी कहने का हक है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और ये बेवकूफ बनाने वाला कदम है। मतलब अगर वो शख्स ये कह रहा है कि मैं ये अपने सेकुलर पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सेक्युलर पावर का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए नहीं किया जा सकता है। शारिक मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे पहले यूएई में कड़ा कदम उठाया गया जो इस्लामोफोबिया फैला रहे थे, उसके बाद कनाडा से तस्वीर आई, अब न्यूजीलैंड से तस्वीर आई, जो लोग शरारती तत्व हैं वो सिर्फ नफरत परोस रहे हैं, क्या असर इन मुल्कों में खासतौर पर भारत की छवि कैसी देखी जा रही है, मोदी सरकार को किस तरीके से इन लोगों की इस हरकत के बाद देखा जा रहा है? देखिए मोदी सरकार की तो क्या बात ही बोला जाए, कि सिवाय इसराइल के एस पर्टिकुलर ग्रुप के तौर पे या किसी नेशन के तौर पे और किसी भी ग्रुप को मैंने इस तरीके से तारीफ करते हुए नहीं सुना काफी दिनों से। पिछले कुछ टाइम में मतलब जो खबरें ज्यादातर सामने आ रही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा तो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन इंडिया जिस भी तरह की डील कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट से 3 डील्स किए हैं इंडिया ने और तीनों में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है इंडिया एज सच, तो ये फेलियर एज कंट्री हमारा नहीं है, ये फेलियर है एज सच गवर्नमेंट का, जो कि ये मैसेज आगे पोर्ट्रे नहीं कर पा रही है, आगे नहीं भेज पा रही है अपने लोगों तक। वरना अगर आप लगातार इस तरह के इंटरनेशनल डील्स को अगर आप अनसक्सेसफुली कंटिन्यू करेंगे
तो उससे अपने पूरे देश पे और अपने लोगों के ऊपर एक अलग गलत तरह का इमेज बनता है। लेकिन उसी तरफ हमें ये भी देखना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें हिंदुस्तान इस वक्त आ गया है। तो अगर बात की जाए हिंदुस्तान कहाँ डेवलप कर रहा है, तो हाँ सबसे ज्यादा करप्शन लास्ट टाइम पे अगर कहीं बढ़ा है तो उसमें से एक देश हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा भुखमरी अगर कहीं बढ़ी है तो उसमें से एक देश हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा कहीं गरीबी बढ़ी है तो उसमें से एक देश हिंदुस्तान है। तो इस तरह की चीजों में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, और ऐसा नहीं कि लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के चैनल्स इस चीज को दिखा रहे हैं, दुनिया भर के चैनल्स इस चीज को नोटिस करके उसको लोगों के सामने रख रहे हैं। कितने सारे यूएस शोज अभी लास्ट कुछ मंथ्स में आए हैं जिसमें लगातार मोदी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। लेकिन उसी तरफ वही मीडिया चैनल्स हैं जो हिंदुस्तान की एक दूसरी शक्ल भी दिखा रहे हैं, जिस शक्ल में वही हिंदुस्तानी हैं जो लगातार अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, अपने देश के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो हमें उन तरह की चीजों की तरफ ज्यादा नजर देने की जरूरत है। जो नहीं कर रहा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज इंडियंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। ये हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर उसके सामने कोई सच आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उस सच को फैलाए। ये कोई कहानी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ चल रही है, और इस रियल लाइफ का इफेक्ट हर किसी पे आएगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी तो 101% उसका इफेक्ट हर घर पे जाएगा। तो ये हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको संभाले, उसको समझाने की कोशिश करे, दूसरों तक वो पैगाम फैलाए जिसको ये समझ में आ रहा है। और जैसे हम इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, व्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर करें, वो ज्यादा से ज्यादा इन मैसेज को आगे बढ़ाएं और खुद रिसर्च करें। और यही चीज है जो हमें हमारे कदम पे खड़े रहने में मदद करेगी। शारिक, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आवाजें उठ रही हैं, उन आवाजों को लेकर के मोदी सरकार का साफ रुख है कि हमारे अंदरूनी मामले में किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, तो किस तरीके से देखा जाएगा कि लगातार सवाल तो उठ रहे हैं पर उसका अंजाम क्या हो रहा है? देखिए, अब अंदरूनी मामला है, वाकई हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, इसलिए हिंदुस्तानी ज्यादातर जो हिंदुस्तानी है वो इसको अंदरूनी मामले की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। कोई भी जिस तरीके से ये मुस्लिम्स पे सवाल खड़े करते हैं या जिस तरीके से और लोगों पे हर किसी पे सवाल खड़ा करते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सवाल कर रहा है और उनको ये बोलते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो ये हर मुस्लिम कहता है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। तो ये सवाल खड़ा करना इनके तौर पर गलत है, ये हेट्रेड इनके तरफ से है। हम आज भी हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते हैं। और हर वो शख्स जो अपने आप को किसी भी धर्म से आइडेंटिफाई करता है, वो अपने आप को हिंदुस्तानी जब बोलता है तो वो दिल से बोलता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान या चाइना मैटर नहीं करता है। हमारे लिए सऊदी अरब, हाँ हमारे कनेक्शन है क्योंकि हमारे रिलीजन की शायद शुरुआत वहां से हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब से है, मक्का वहां पे, मदीना वहां पे है, लेकिन हम अपने आप को एज हिंदुस्तानी ही आइडेंटिफाई करते हैं। हम वहां भी जाते हैं तो अपने आप को एज इंडियन आइडेंटिफाई करके वहां जाते हैं। मेरा मुस्लिम होना मेरे हिंदुस्तानी होने को कभी नहीं कट कर सकता है। और वही मेरे अगर मेरे फेथ की बात की जाए पर्टिकुलरली, तो मेरा फेथ ही वहीं पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा होता है और मेरे डिफेंस में आता है, क्योंकि मेरा फेथ मुझे इस चीज के लिए कंपेल करता है, मुझे फोर्स करता है कि अगर तुम किसी देश से हो तो और तुम किसी नेशन से हो तो तुम्हारा लॉयल्टी वहीं लाई करना चाहिए। तो मेरा लॉयल्टी यहीं लाई करेगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसका लॉयल्टी यहीं लाई करता है। कोई भी हिंदुस्तानी यहां से पाकिस्तान के लिए लड़ने नहीं जाएगा, पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाएगा। हम सबके लिए हिंदुस्तान पहले आता है, हम सबके लिए दिल में हिंदुस्तान है, और हम हमेशा जब भी सोचते हैं तो हिंदुस्तान की इमेज के बारे में सोच के बोलते हैं। और यही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर वो इंडिया में रह रहा है, यहाँ का खा रहा है, यहाँ के जमीन पर रह रहा है, यहाँ की चीजों का फायदा उठा रहा है, यहाँ की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस देश के लिए वैसे ही लड़े, वैसे ही आवाज उठाए। अगर कोई आप पे सवाल खड़ा करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताइए उसको कि ये गलत बात है, ये गलत जवाब है तुम्हारे तरफ से, ये गलत सवाल है तुम्हारे तरफ से, और हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और हर मुस्लिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, हर उस शख्स को जिस पर सवाल खड़ा कर रहा है उसको बताए कि वो मुसलमान होने का क्या मतलब है, और हिंदुस्तानी होना मुसलमान होने को कभी कट नहीं कर सकता, या मुसलमान होना कभी हिंदुस्तानी होने को कट नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक अदिल यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपने जवाब को रखा, और लगातार जो हम देख रहे हैं इससे असर जो है भारत सरकार की छवि पर पड़ रहा है, और भारत सरकार की छवि को कुछ भक्त, कुछ अंधभक्त मिल करके बर्बाद करने पर तुले हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।